गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 19 खनिज संपदा को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुदरत ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं, खनिज संपदा भी उन्हीं में से एक है। किसी भी नगर के बाजार की सैर करने निकले, हमें प्लास्टिक की वस्तुओं से दुकानें भरी हुई मिलती हैं। यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि प्लास्टिक कोयले से बनाया जाता है। कोयले से प्लास्टिक ही नहीं वरन ब्रश, बटन, नेफ्थलीन, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल, खुशबूदार तेल तथा नायलॉन और डेक्रॉन जैसे वस्त्रों का निर्माण भी होता है। देखिए बच्चों, नायलॉन का जो कपड़ा होता है वो ऐसा कपड़ा होता है जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, जिसे हम बीच में से फाड़ना चाहें तो वो इतनी आसानी से नहीं फटता। कोयला एक खनिज है जिसके असंख्य उपयोग हैं, मतलब कि जिसकी हम संख्या नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने कोयले से 10 लाख से भी अधिक वस्तुओं का निर्माण किया है। कोयले की भांति कोयले की तरह लोहा, टिन, तांबा, सोना, टंगस्टन, मैग्नीज, जिप्सम आदि अनेक खनिज हैं जिन पर आधुनिक सभ्यता की नींव टिकी है। जो देश खनिज संपन्न हैं वे ही औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं। जिन देशों के अंदर भरपूर मात्रा में खनिज है वो देश ही औद्योगिक विकास में ऊंचाइयों पर जाते हैं। आज की भौतिकवादी सभ्यता की आधारशिला, मतलब कि नींव जो है वो खनिज ही है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कोयले की खान है जिसके अंदर से ये लोग कोयला निकाल रहे हैं। देखिए बच्चों, मनुष्य के जीवन में खनिज सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। मनुष्य ने प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में किसी न किसी खनिज का अवश्य ही प्रयोग किया है, जैसे कि हम आज करते हैं। आज हम सभी तरह के खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला है। कोयले से क्या किया जाता है, कोयले की प्रेस आपने देखी होगी जिससे कपड़ों पर इस्त्री की जाती है। सोना चांदी के आभूषण हम लोग पहनते हैं, तांबे के बर्तनों का यूज़ करते हैं, पीतल के बर्तनों का यूज़ करते हैं, कांसे के बर्तनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि मनुष्य ने प्रत्येक युग में, हर युग में किसी न किसी रूप में किसी न किसी खनिज का अवश्य ही प्रयोग किया है। कुछ खनिज तो इतने ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं कि उनके नाम से युग का नामकरण हो गया है, जैसे कि पाषाण युग। आदि निवासी ने पत्थर से ही आग जलाई और अस्त्र शस्त्र बनाए। इतिहासकार इस युग को कौन सा युग कहते थे, पाषाण युग कहते हैं। आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व मनुष्य को धातु का पता चला था। यह कहना मुश्किल है, कठिन है कि मनुष्य ने पहले किस धातु का प्रयोग किया, ये हम कह नहीं सकते। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि सोना चांदी और तांबा सर्वप्रथम प्रयोग में आए, सबसे पहले प्रयोग में आए, क्योंकि सोना चांदी और जो तांबा है वो एक ऐसी धातुएं हैं जो अमिश्रित रूप में मिल सकती है, जिसके अंदर कोई और धातु मिश्रित नहीं है। अन्य धातु जो होती हैं इसके अलावा, सोना चांदी और तांबे के अलावा जो अन्य धातु होती हैं वो कच्ची धातुएं होती हैं और कच्ची धातु के रूप में ही मिलती हैं, अर्थात मिट्टी के साथ मिली रहती हैं। लगभग 6,000 वर्ष पूर्व मिस्र के कुछ लोगों ने संभवतः अकस्मात ही अचानक ही तांबे और टिन को मिलाकर, मतलब कि तांबा जो था और टिन था उन दोनों को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जिसको कांसा कहते हैं। देखिए बच्चों, पुराने ज़माने में, जैसे आपकी दादी के ज़माने में, ठीक है, अपने दादाजी के ज़माने में कांसे के बर्तनों का प्रयोग होता था। कांसे के बर्तन जो थे बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब किसी की शादी होती है तो लड़की को बर्तन दिए जाते हैं, कांसे के बर्तन दिए जाते हैं, पीतल के बर्तन दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो जो हैं ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए इस धातु से अधिक मजबूत अस्त्र शस्त्र, कांसे, तांबे और टिन का अधिक कड़ा होता है।
जो कांसा होता है वो तांबे और टिन से अधिक ज़्यादा टाइट होता है, कड़ा होता है, इसलिए इस धातु से अधिक मजबूत अस्त्र शस्त्र और बर्तन बनने लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। हम आज के दौर में स्टील के बर्तनों का यूज़ करते हैं, परंतु गांव में आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर पीतल के बर्तनों में खाना खाया जाता है, पीतलों के बर्तनों का उपयोग किया जाता है और कांसे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस आविष्कार ने संसार के व्यापार क्षेत्र को एक नया जीवन प्रदान किया। तांबे और टिन की खोज में लोग दूर दूर तक देशों का दौरा करने लगे और कांसा युग आ गया। देखिए बच्चों, कहते भी हैं कि तांबे के लोटे में अगर हम रात को पानी रख के और सुबह पिए तो हमारे शरीर जो होता है, हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है सब उससे मिल जाती है। ठीक है, कभी आप अपने दादा दादी या फिर मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा ये। तो बच्चों, संभवतः दूसरी मिश्रित धातु जिसका आविष्कार मनुष्य ने अकस्मात ही कर लिया वह थी पीतल, जो तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनी। पीतल किसके मिश्रण से बनी? तांबे और जस्ते के मिश्रण से। ईसा के जन्म के समय सोना चांदी और तांबे के अतिरिक्त कांसा और पीतल ही ऐसी मिश्रित धातुएं थी जिसका सार्वजनिक प्रयोग होता था। आभूषण, घर के बर्तन, सिक्के, घरों की सजावट की वस्तुएं आदि इन्हीं धातुओं से बनाई जाती थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको दोबारा से रीड करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये जो पाठ है वो समझ में आ सके। थैंक यू।